बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन आज हम आपको एक ऐसे बदबخت और बदनसीब बेटे का वाकया सुनाने वाले हैं जब इसने अपनी माँ को रोज़े की हालत में मार दिया तो फिर इस बेटे का अंजाम क्या हुआ इस वाकया को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा नाजरीन मुल्क शाम में एक औरत रहा करती थी इसके शोहर का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने इसको इसी वक्त एक बेटे से नवाज दिया क्योंकि वो हामला थी और शोहर की मौत के बाद वो बेटा इस दुनिया में आया अल्लाह ताला ने इसके शोहर का बदल ये बेटा दिया था इसकी कुल कायन बन चुका था वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती वो चाहती थी कि वो अपने बेटे की तरबियत उम्दा अंदाज़ में करे इस्लामी अंदाज में करे अपने बेटे की तरबियत कर रही थी बच्चा बचपन में तो बहुत अच्छा था माँ का फर्माबरदार था क्योंकि माँ की तवज्जो का मरकज सिर्फ वही बेटा था अब वो मेहनत मज़दूरी करती घरों में काम करती इबादत करती और साथ में अपने बेटे पर भी नज़र रखती जब तक वो छोटा था माँ के सामने रहा माँ ने इसको हर बात पर डांटा टोका समझाया लेकिन अब वो बड़ा हो रहा था बड़ा हुआ तो बाहर भी जाता दोस्तों में रहता दोस्तों में जाकर इसके अंदर बहुत सी बुरी आदतें आ गईं यानी पहले वो पाँच वक्त की नमाज पढ़ता बचपन से ही रोज़ा भी रखता नमाज भी पढ़ता लेकिन अब तो दोस्तों के कहने पर वो रात रात भर बाहर रहता नशा करने लग चुका था दोस्तों ने इसे वर्गलाना शुरू कर दिया कि जिंदगी का मकसद तो सिर्फ जिंदगी को इसी तरह गुजारने में है ऐशो आराम से रहो तुम्हारी माँ कमाती है और जो कुछ वो कमाती है तुम्हारा ही हक बनता है कि तुम पर ही इसका पैसा खर्च हो बेटे के अंदर ये बातें डालने वाले इसके दोस्त थे अब वो माँ के पैसों को जो कि बड़ी ही मेहनत से कमा रही थी वो हवा में ऐसे उड़ा रहा था जैसे कि इसको मुफ्त में मिल रहे हों इसको कोई फिक्र नहीं थी कोई जिम्मेदारी इसके सर पर नहीं थी जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ माँ रोज़े रखती वो अपने बेटे से भी कहती कि तू भी मेरे साथ मिलकर रोज़ा रखा करो तुम जब छोटे थे तो मेरे साथ सहरी भी करते थे इफ्तारी भी करते थे और पूरा दिन मेरे साथ भूखा रहते थे और जानते हो तुम सारी नमाज़ें पढ़ते थे अब जब के तुम पर नमाज फ़र्ज हो चुकी है रोज़ा भी फ़र्ज हो चुका है और अब तुम ना रोज़ा रखते हो ना नमाज़ पढ़ते हो ना कुरान पढ़ते हो तुम्हें बिगाड़ने वाला कौन है देखो ऐसे दोस्तों से दूर रहो वो कहता कि अगर आप रोज़ा रख लेंगी तो ये आपका अमल है आप मेरे पीछे ना पड़ा करें रमजान के महीने में जबकि शैतान कैद हो जाता है अब तो वह जिनाकारी पर भी उतर आया था एक दिन माँ को इसकी पड़ोसन ने मशवरा दिया कि तुम अपने बेटे की शादी कर दो क्योंकि इस तरह ये बिगड़ने से बच जाएगा बीवी आएगी तो ये इसके काबू में रहेगा अपने हमसाई की बात सुनने के बाद इसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि इसने ठीक कहा था इसने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा मैं इसकी शादी कर देती हूँ शादी हो जाएगी तो हो सकता है यह अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे क्योंकि अभी तो ये लापरवाह है बीवी आएगी तो सुधर जाएगा यही सोचकर इसने फैसला कर लिया कि रमज़ान जब गुजर जाएगा तो रमज़ान शरीफ के बाद मैं इसका निकाह कर दूंगी इस दौरान वो लड़कियों की तलाश में थी इसको एक ऐसा घिराना दिखा कि जहाँ पर बाजार बहुत ही दीनदार इबादत करने वाले थे रोज़ा रखने वाले लोग थे लड़की भी इसके सामने जब आई तो इसके दिल में उतर गई इसने यही सोच लिया कि मेरी बहू यही बनेगी सारे मामल तय करने के बाद इसने सोच लिया कि मैं अपने बेटे से बात करूंगी जब वो घर में आई तो इसका बेटा घर में मौजूद था इसने कहा कि आप कहाँ चली गई थी तो सारी सूरत हाल ऐसे बताई कि मैं अभी निकाह नहीं कर सकता मुझे कोई शौक नहीं है शादी का माँ कहने लगी कि लड़की खूबसूरत है और सबसे अच्छी है तुम्हारा घर बस जाएगा इसने कह दिया कि ठीक है मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ वह दरअसल जान छुड़ाना चाह रहा था रमजान गुजरने के बाद इसने अपने बेटे का निकाह इस लड़की से कर दिया जो बजाहर बहुत अच्छी बहू थी शुरू शुरू के दिनों में वो अपनी सास की खिदमत करती इसको बहुत आराम रहने लगा क्योंकि अब घर में जो काम करती थी इसके काम करने की वजह से इसको वक्त मिलने लगा और घर का पूरा काम इसकी बहू ने संभाल लिया था बेटा भी अब अपनी बीवी की बात सुनता बाहर नहीं रहता था पहले इसे नशे की आदत लगी हुई थी अब बीवी की वजह से कम से कम ये हुआ घर से बाहर नहीं रहता था दोस्तों का साथ छूट गया बीवी के समझाने पर इसने मेहनत मजदूरी भी शुरू कर दी बीवी ने इसे ऐसा अपने काबू में किया ऐसा फंसा लिया इस पर ऐसा कब्जा किया वो तो पहले ही माँ का नहीं था अब तो वो और माँ से दूर हो गया माँ को यह बात बहुत बुरी लगती थी हर माँ की तरह इसका भी दिल दुखता था कि मैंने सब कुछ इस दुनिया में रहकर, जो कुछ मैंने किया अपने बेटे के लिए किया जिसके लिए मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी अपने बेटे के लिए मेरे शोहर के जाने के बाद मेरा बेटा ही मेरी दुनिया रहा एक दिन माँ ने अपनी बहू से कहा कि ऐसा करो वो मेरे बेटे को कहो कि थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाया करे बहू ने न जाने अपनी सास की यह बात अपने इस शोहर को किस अंदाज में बताई न जाने इसके शोहर को क्या हुआ अपने शोहर को बताया कि वो तो रात को धुंधलाता हुआ माँ के पास आया इसकी चारपाई को उल्टा दिया मां जमीन पर आ गिरी बदतमीजी करने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरी बीवी से इस तरह की बात करो एक तो वो बेचारी पूरा दिन काम करती रहती है सफाई करती है कपड़े धोती है तुम्हारी और मेरी खिदमत भी करती है ऊपर से तुम इसे कह रही हो कि इसने मुझ पर कब्जा कर लिया है वो मुझे तुमसे दूर कर रही है तुमसे छीन लिया है वह हैरानगी से अपने बेटे को देख रही थी के बेटा मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की मैंने तो सिर्फ कहा था कि थोड़ा वक्त माँ को भी दे दिया करो इसके बेटे ने माँ को कहा कि मैं हर वक्त बैठा तुम्हें देखता तो रहता हूँ मैं हर वक्त फारग तो नहीं रहता कम से कम अपनी बीवी की वजह से थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ यह सब इसी का किया दरा है तुमने मेरी जिंदगी में आखिर किया ही क्या था तुम्हारे होते हुए तो मैं नशे में लग चुका था मैं हमेशा घर से दूर रहता था अब इसकी वजह से कम से कम घर में तो रहता हूँ इसकी बात सुनकर इसकी माँ बहुत दुखी हुई बेटे ने जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया है वो बहू को देखने लगी और बहू दूर बैठी इसको मुस्कुरा रही थी वो बहू बहु बहुत ही शातर दिली से इसने जो कुछ कहा इसमें इसकी चाल थी और वो चल गई और अपनी बहू को देख कर वह माँ रोने लगी वो अपनी सास को घर से निकलवाना चाहती थी पहला बार तो इसका खाली ना गया बल्कि सीधा तीर निशाने पर लग गया वो दोनों कमरे में चले गए फिर रमज़ान का महीना शुरू हुआ वो माँ बिल्कुल खामोश हो चुकी थी वो चुप थी इसने पहली गलती कर ली थी अब वो दूसरी बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी अब वो बहू से कुछ नहीं कहती थी वो लोग सहरी कर रहे थे अब तो इसका शोहर भी रोजा रखता था माँ बहुत खुश थी कि मेरा बेटा कम से कम पाँच वक्त का पाबंद हो चुका है वो पाँच वक्त की नमाज पढ़ता है लेकिन ये क्या सहरी होकर भी गुजर गई और इसको किसी ने खबर ना दी वो इंतज़ार में रही तो इसकी बहू रोटी बनाकर इसे आवाज़ देगी वो बेचारी बूढ़ी औरत खाली पेट रोज़ा रख चुकी थी वो इबादत कर रही थी इबादत करते करते इस पर बेहोशी तारी हो गई तो इफ्तार का वक्त हो चुका था बहू और बेटे ने उम्दा किस्म का खाना खाया माँ को पूछा तक नहीं आखिरकार इस बूढ़ी माँ से भूख बर्दाश्त न हुई इसने अपने बेटे को आवाज़ दी बेटा ज़रा कमरे में आना इसका दिल तो नहीं चाह रहा था वो बुरा सा मुंह बनाता हुआ कमरे में दाखिल हो गया और कहने लगा कि क्या काम है और कहने लगा कि आज आपने रोज़ा नहीं रखा वैसे तो आप कहती हैं मैं तो कोई रोज़ा नहीं छोड़ती इसकी माँ ने कहा कि बेटा मैंने रोज़ा रखा था पर तुम लोगों ने मुझे सहरी के वक्त आवाज़ ही नहीं दी बेटा अपनी माँ को पूछ तो लेते इसका बेटा गुस्से से कहने लगा तो क्या हम तुम्हारे नौकर हैं एक तो मेरी बीवी तुम्हारा काम करती है मेरा काम करती है मेरे लिए भी इसने रोटी बनाई और ख़ास कर तुम्हारे लिए भी इसने रोटी बनाकर रखी थी और कह रही थी कि अम्मा जान को आवाज़ दे दीजिए और तुम्हें आवाज़ हम देते रहे तुमने आवाज़ कहाँ सुनी वो अपने बेटे से बहस नहीं करना चाहती थी अगर वो कहती कि मुझे आवाज़ ही नहीं आई बेटा मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि तुम लोग कब मुझे आवाज़ दोगे कब मेरे लिए सहरी लेकर आओगे कहा मुझे शहरी के लिए बुलाओ इसने लड़ाई झगड़े से बचने के लिए कहा अच्छा खैर कोई बात नहीं इसकी माँ कहने लगी कि तुम लोगों ने इफ्तार कर लिया इसने कहा हाँ कर लिया इसने कहा कि मेरे लिए कुछ है इसने कहा कि तुम्हें तो लगता है हम तुम पर जुल्म करते हैं तुम्हारी बहू वो तुम्हें पूछती नहीं इसकी माँ कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं मैं बस पूछ रही हूँ कि क्या कुछ खाने के लिए है इसने कहा जो भी है जाकर देख लो मेरी बीवी तो सोने के लिए चली गई है वो बहुत थक गई थी इसका बेटा वहाँ से जा चुका था इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि बेटे ने एक बार भी नहीं पूछा कि अम्मा जान आपको कुछ चाहिए बल्कि उल्टा ही बोलकर चला गया जो कुछ खाना है खुद खा लीजिए मेरी बीवी हम सब की खिदमत करती है इसका कोई फ़र्ज़ नहीं है वो बेचारी उठी लड़खड़ाते हुए कदमों से बड़ी मुश्किल से चलती हुई वो बाहर आई शायद बहू ने इसके लिए प्लेट में कुछ रखा हो वहाँ पर पड़े बर्तन खाली थे एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं था वो बेचारी पानी पीकर कमरे में आ गई फिर इबादत करने लगी लेकिन कमजोरी की वजह से वो बार बार बेहोश हो रही थी दूसरे दिन भी जब सहरी का वक्त हुआ इसने सोच लिया था कि ये लोग मुझे आज भी आवाज़ नहीं देंगे मैं खुद ही बाहर आ जाती हूँ लेकिन जब वो बाहर आई तो इसने देखा कि इसकी बहू मौजूद नहीं थी और बेटा भी मौजूद नहीं था लगता था कि वो कहीं बाहर चले गए हैं इसने सोचा कि मैं खुद ही अपने लिए रोटी बना लेती हूँ और जब इसने देखा आटा ही मौजूद नहीं था बहुत अफसोस हुआ कि मेरे खाने के लिए घर में एक दाना भी मौजूद नहीं इसकी तबीयत पहले दिन ही ख़राब थी कमजोरी की वजह से इसे बेहोशी तारी हो रही थी इस दिन वो बिस्तर पर पड़ी रही और बेटे ने आकर खबर भी ना ली रोज़ा खुल चुका था लेकिन माँ को एक घूंट पानी पिलाने वाला इस वक्त कोई नहीं था इसी बिस्तर पर वो नज़र जमाई बाहर दरवाजे पर देखती रही मगर इस पर तो अजीब किस्म का आलम तारी हो चुका था दो दिन से भूखी प्यासी माँ घर में पड़ी हुई थी और अकलौता बेटा माँ को पूछ भी नहीं रहा था जब तीसरा दिन आया तो इसकी बीवी कहने लगी कि दो दिन हो चुके हैं अम्मा जान कमरे से बाहर नहीं आई आप जाकर देखें तो सही कि इनकी तबीयत तो ठीक है बेटे को बहुत अच्छा लगा कि मेरी बीवी तो माँ का इतना ख्याल रखती है जब वो कमरे में आया तो इसने अपनी माँ को हिलाया उठ जाइए कुछ खा लीजिए देखिए मेरी बीवी ने आपके पास मुझे भेजा है लेकिन इसकी माँ तो हिल ही नहीं रही थी इसको बहुत तश्वीश हुई इसने माँ को जब देखा तो इसके सांस भी नहीं चल रही थी इसने चीख कर अपनी बीवी को बुलाया जल्दी आओ जल्दी आओ अम्मा जान इस दुनिया में नहीं रही वो इस दुनिया से चली गई थी न जाने कब से इसका इंतकाल हो चुका था बहू को एक इंसानियत के तौर पर अफसोस तो हुआ लेकिन दिल से वो शुक्र अदा कर रही थी कि अच्छा है इस बुढ़िया से जान छूटी बिला वजह सर पर सवार रहती थी हर वक्त नसीहतें करती रहती थी पर अपने शोर को दिखाने के लिए झूठे आंसू बहाने लगी अब इतनी खामोशी से हमें कैसे छोड़कर चली गई अब बेटा नादम हुआ कि अब तक गफलत की ज़िंदगी जी रहा था अब तक माँ की फिक्र नहीं थी ज़िंदगी में सुख नहीं दिया मरने के बाद एकदम इसके दिल में घबराहट तारी हुई बड़ी मुश्किल से कफ़न दफन का इंतज़ाम किया अल्लाह ताला से दुआ करता कि मुझे माफ़ कर दे मेरे दिल में शर्मिंदगी है कि मैंने दो दिन मेरी माँ भूखी प्यासी रही इसको देखा भी नहीं वो इसी भूख प्यास की हालत में दुनिया से चली गई लेकिन अभी इसको माफ़ी नहीं मिलनी थी अभी तो इसे अल्लाह पाक ने ऐसा झटका देना था कि इसकी दुनिया हिल जानी थी एक दिन जब इसकी बीवी ने कहा कि उठकर सहरी का वक्त हो चुका है आइए सहरी कर लीजिए मैंने आपके लिए रोटी बनाई है वो उठ रहा था कि इसके पैर लड़खड़ाए और वह ज़मीन पर गिर पड़ा इसने अपनी बीवी को बुलाया और इसकी बीवी दौड़ती हुई आई वो चल नहीं पा रहा था इसने कहा कि मुझे लग रहा है मेरे पैरों में जान नहीं है मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे इनके अगले ही लम्हे इसने एक हकीम साहब को बुलाया और हकीम साहब को कहा कि मेरे शोहर को आकर देख लीजिए हकीम साहब आए इन्होंने कहा कि बहुत अफसोस की खबर है कि इनके पैरों में अब जान नहीं रही यकीन ये अपाहज हो चुके हैं अब जिंदगी भर ये चल फिर नहीं सकता जब यह खबर शोहर ने सुनी तो इस पर तो क्यामत टूट पड़ी कि बेटा समझ चुका था कि मैंने अपनी माँ के साथ जो कुछ किया है ये सब इसी का सिला है ना मैं अपनी माँ का दिल दुखाता और ना वो इस दुनिया से भूखी प्यासी जाती और ना मुझे ये सज़ा मिलती अल्लाह ताला से दिन रात माफ़ी मांगता याला तो मुझे माफ़ कर दे मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया मेरी वजह से मेरी माँ मरी गई मैं कातल हूँ इसका मैं अपनी माँ का कातिल हूँ लेकिन अब माफ़ी नहीं मिल सकती थी माँ तो इस दुनिया से चली गई थी माँ नहीं मिल सकती थी अब अल्लाह पाक की कुदरत देखें अब पाहज क्या हुआ कि असल चेहरे दिखने लगे माँ तो नहीं रही थी माँ होती तो फिर किस बात का गम था माँ तो अपने बच्चे की हर ऐब को छुपा लेती है इसकी माँ भी तो ऐसी ही थी बीवी ने एक दिन खिदमत की दो दिन की तीसरे दिन आखिर इसने कहा कि देखिए मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकती ना मैं आपके साथ रह सकती हूँ क्योंकि बहुत हो गया मैं जवान हूँ किसी से भी शादी कर सकती हूँ आप मुझे तलाक दे दीजिए इसकी बीवी ने कहा कि मैं बीमार और गरीब शोहर के साथ अब नहीं रह सकती मजबूरन इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी अब वो अकेला तन तनहा इस घर में था कोई भी इसकी खिदमत करने वाला नहीं था कोई भी इसके साथ नहीं था कोई गम बांटने वाला नहीं था वह तनहाई में चीखे मार मार कर रोता लेकिन वहाँ कोई होता तो इसके पास आता फिर एक रात इसने ख्वाब देखा कि इसकी माँ इसके ख्वाब में आकर कहने लगी बेटा तूने जो किया अल्लाह ताला ने तुझे इसकी सजा दी है लेकिन मैं तेरी माँ हूँ मेरी रूह बेचैन है अल्लाह पाक ने मुझे जन्नत में बहुत ही खूबसूरत महल दिया है मैं यहाँ बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही हूँ लेकिन मेरे बच्चे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती मैं अल्लाह ताला के हजूर दुआ करूँगी कि मेरे बेटे की पहाजी को दूर कर दे और तू चलने फिरने के काबिल हो जाए यह कहकर माँ वहाँ से चली गई इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे ये वही माँ है ना कि जिसको तड़पा तड़पा कर मैंने मारा जिसके मुंह में मैंने पानी का एक घूंट नहीं डाला जिसको खाने का एक लुकमा ना दिया वही माँ अल्लाह तला के हजूर सिफारिश करेगी और फिर माँ ने जो कहा पूरा हुआ यह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था सताईसवीं शब थी जब इसको ऐसे लगा कि इसके पैरों में जान आ रही है इसने थोड़ा सा कदम उठाया और इसको यकीन ना आया कि वो चल पड़ा इसी वक्त अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो गया बेटे की मोहताजी अल्लाह पाक ने दूर कर दी वो अपनी जिंदगी की तरफ आ गया इस बीमारी में इसे खरे और खोटे की पहचान हो गई पर अफसोस था और जिंदगी भर का पछतावा कि माँ वापस नहीं आ सकती थी मोहतरम नाजरीन ये माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती दुनिया का हर शख्स गलत हो सकता है लेकिन माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी इनके खिलाफ नहीं सोच सकती मोहतरम नाजरीन प्यार क्या चीज़ है माँ क्या चीज़ है ये इन बच्चों से पूछो जिनकी माँ मर जाती है मजीद अच्छी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें शुक्रिया